सुनील, एक और जो सुनील ने जो शो शुरू किया था, क्या कहना चाहेंगे? प्रतिद्वंदी शो था शायद उतना स्तर पर, या आप क्या कहना चाहेंगे शो की अब बंद करने की बात आ रही है? मुझे प्रतिद्वंदी कभी नहीं लगे वो, क्योंकि एक तो हमारा टाइम स्लॉट अलग था सर, उनका 9 बजे आता था और हमारा 10 बजे आता है शो, सो ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मुझे हमेशा से ही, क्योंकि सुनील ग्रोवर इज ए वेरी गुड एक्टर, तो जहाँ भी जाएंगे अच्छा ही करेंगे। तो बाकी ये होता है कि कई बार क्या होता है कि एक एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यू नो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शो जो हमारा इतना अच्छा चल रहा है सो वो सिर्फ मेरी वजह से है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं, एक पूरी, यू नो, आप एक शो बना सकते हैं लेकिन आप शो नहीं बना सकते, वो कुदरती होता है कि भगवान की खास कृपा होती है, सब चीज़ें आपस में सही टाइम पे बैठ जाती हैं तो बनता है। मेरी उनके साथ हमेशा बेस्ट विशेज रही हैं कि वो अच्छा काम करें जहाँ पे भी करें, और हमारे शो पे भी उनको बहुत प्यार किया जाता था। और क्या वो कभी, लेकिन कोई नाराजगी थी जब भी छोड़कर गए थे? नहीं, नाराजगी कोई नहीं, मेरी अभी भी देख लो रिसीव कॉल में, वापस आना चाहेंगे तो कभी लेंगे। जो है वो डाउन होता जा रहा है और एक्सपेक्टेशन थे उनके शो से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जी। वो पता नहीं ये खबरें कहाँ से आती हैं कि डाउन होता जा रहा है, हमारे तो टचवुड भगवान ने इतनी कृपा की है कि हमेशा से टीआरपी उसकी जो है हमेशा 3.1 से शुरू हुआ था शो और 5.7 तक, मतलब हम लोग, मतलब मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं होता है। सो ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मैंने पहले कहा कि एक आदमी का शो नहीं है, सो एक आदमी छोड़ के जाएगा तो उससे वैसा फर्क भी नहीं पड़ेगा। सुनील वापस आते हैं तो आप उनको लेना चाहेंगे? अगर सुनील वापस आपके साथ गुत्थी के रूप में आते हैं? हाँ, अगर आना चाहें तो जरूर आ सकेंगे। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि वो कभी जाएं, और वो उनका अपना डिसीजन था। देखिए सर, हर एक आदमी को हक है अपने के लिए अच्छा करने का। मैंने भी एक शो छोड़ के आया था और मैंने अपना शो प्रोड्यूस किया, तो मैं चारों तरफ से, मतलब मुझे, मैं श्योर था कि हाँ यार मुझे ये अच्छा काम करना है, सो अगर मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों?